हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हो एके दी टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का जो डेथ रिपोर्ट है वो कैसे लगता है किसी भी आईडी को बैन करने के लिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है OCR स्कैनर की नीड पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ टेक्स्ट दूंगा जो आपको वहां पे पोस्ट करना है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना और OCR स्कैनर इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर ये निकाल देना आप अपने हिसाब से। तो स्कैन फ्रॉम गैलरी करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो पहला टेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया, आप उसको सिंपली स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पर इससे सिंपली रख देना। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप किया। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है इस टेक्स्ट को पहले सही करना है। कुछ कुछ मिस्टेक्स ये कर देता है ऐप। ओके, तो सारा कुछ मैंने लिख दिया। अब इसको सिंपली आप यूअर, एक सेकेंड, ये यूअर सो कुछ गलत है। ठीक है, तो मैंने सारा टेक्स्ट जो है आपको पढ़ के सही करना है सबसे पहले, तो मैंने इसको सही कर दिया। अब इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी हो गया। अब आपको जो है एक पोस्ट करनी है क्रोम बीटा या किसी भी ब्राउजर में, आप लोग कर सकते हो। ये यहाँ पर उसको मेंशन करना है पहले। ये आ गया। ओके, तो आपको यहाँ पर अब जो टेक्स्ट है उसे पेस्ट करना है। नेम कहाँ गया? ये रहा नेम। ओके, तो अब मैं नेम से लेके जो नेम है यहाँ से लेके लास्ट तक इसे कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नेम आ चुका है। अब यहाँ से हम जो है रिमेन चीज़ें पेस्ट करेंगे जो कि रहती है। अब मैंने जो है ना नेम तक कट किया था, तो हम नेम तक इसको ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से मेंशन हो गया है। अब हम इसको सिंपली पोस्ट करेंगे। तो मैंने आपके सामने ये पोस्ट बना दी है। ठीक है, और एक सेकेंड, अब मैं क्या करता हूँ दूसरी पोस्ट हम करेंगे। ऐसे हमने तीन पोस्ट करनी है टोटल। तो आपको अगेन आना है OCR स्कैनर में और अब जो है आपको एक दूसरा इमेज जो मैंने दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको सिंपली तीन पोस्ट करनी है। तो ये मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो दूसरे में जस्ट आपको इनको टैग करना है और यहाँ पे मेंशन वगैरह नहीं है, तो दूसरी और तीसरी बिल्कुल आसान है। तो एक सेकेंड में इस रेस्ट को सही कर देता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। आप इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे अगेन क्रोम बीटा के अंदर हमें दूसरी पोस्ट करनी है एंड यहाँ पे सिंपली उसको टैग करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली, अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सिस्टर लिखना है, ऐसा ना हो आप ब्रदर वगैरह लिख रहे हो तो उसमें भी इश्यूज आएंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप पोस्ट कर दो। अब ये भी पोस्ट हो गई। अगेन जाओ OCR में एंड बैक जाओ एंड जो तीसरी है उसे सिंपली कॉपी कर लो। इसका आपको रीयूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एक इसी वजह से बनाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा अकाउंट बन रहे थे। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, वी आर नेवर रेडी, वी नो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस डे। तो इसको आप ऐसे ही रख लो। ठीक हो गया, और यहाँ पर लेके आओ एंड टेक्स्ट रखो एंड टैग करो, डन करो, पोस्ट करो एंड ये सारी चीज़ें अपनी हो गई है। अब आपको सिंपली जो तीनों आपने पोस्ट किए उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये रही हमारी तीनों पोस्ट। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं स्क्रीनशॉट ले। सो गाइस, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आप जाएंगे सुमृता राव की आईडी में एंड यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर
फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल पे जाना है, तो यहाँ पर है समथिंग एल्स, एंड देन यहाँ पे है मेमोरी रियलाइज दिस अकाउंट, इसको दबाना है। तो यहाँ पर आपको जो है ना डेट लिखनी है कि कब वो पास हुआ है। तो सपोज़ करो उसकी जो आईडी है वो 3 दिन से ऑफ हुई है, तो आपको डेट उस हिसाब से लगानी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आज क्या है, ओके 8 नवंबर 2020 करते हैं, ओके 6 नवंबर 2020, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है वो स्क्रीनशॉट चूज़ कर लेना है जो हमने अभी निकाला है। सो वेयर इज़ द स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे आपको जो है ना अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जिसमें मतलब ये आपको कांटेक्ट कर सकें बाद में। तो मैंने अपना जो है वो ईमेल लिख दिया है, एंड सेंड करते हैं अब। सॉरी मैंने नेम मेंशन करना भूल गया, सॉरी नेम ही मेंशन करना भूल गया मैं। सो अब हमने फिर से ये क्या है, अच्छा तो स्क्रीनशॉट निकल गया, व्हाट द हेल, ओके स्क्रीनशॉट भी लग चुका है। और अब हम जो है इसका वो लगा देते हैं, अब कोई इशू नहीं होगा होपफुली। तो सारी डिटेल्स हमने अच्छे से भर दी है यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। यस, तो अब जो है वो हो गया है सारा सीन। अब ये जो है ना कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इसकी जो आईडी है वो बैन कर देंगे। तो आपको फेसबुक को यही बताना है कि कितने दिन तक ये एक्टिवेट रहा था और किस दिन से ऑफलाइन रहा था, तो तभी आप रिपोर्ट कर पाओगे। अगर ऐसा हो कि आपने रिपोर्ट किया ही और 1 घंटे बाद वो फिर से ऑनलाइन हो गया, तो वो आईडी रिपोर्ट नहीं होगी। आपको मेक श्योर करना है कि वो 3 से 4 दिन तक फेसबुक यूज़ ना करता हो, तभी वो रिपोर्ट हो पाएगी। तो वीडियो मस्त, तो लाइक करो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।